तो सवाल है जी, भाई गुरदास जी दूसरा, भाई गुरदास जी का नाम तो आप सुनते हैं, एक भाई गुरदास जी दूसरा करके लिखिया है, भी ये भाई गुरदास जी दूसरे कौन ने? मैं बेनती करूंगा प्रिंसिपल सुरेंद्र सिंह जी को, कृपा करके चलना पौन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। अज तक भाई गुरदास जी दूजे बारे जो स्पीच अज तक भाई वीर सिंह जी ने वारा की स्पीच लिखी है पूरे पन्ना 636 उत्ते भाई साहब लिखते हैं कि सिख इतिहास में त्रै जां चार भाई गुरदास होए ने। सुखपाल साहब जी थोड़ा नेड़े अपने तुहाड़ी आवाज कटदी है, थोड़ा नेड़े होके करो। हाँ जी आवाज ठीक आई जी हूँ? हाँ हूँ ठीक है। हाँ जी वीर जी, सिख इतिहास में भाई साहब भाई वीर सिंह जी उन्होंने स्पीच लिखी है वो पन्ना 636 उत्ते लिखते हैं कि सिख इतिहास में त्रै जां चार, तीन जां चार भाई गुरदास होए हैं। नंबर एक ते उन्होंने पहले भाई गुरदास जी जो गुरु अमरदास जी महाराज के रिश्ते भतीजे लगते सन, जिन्होंने तीजे चौथे पंजवें छेवें पातशाह जी तक उन्होंने हजूरी विच करम प्रचार की सेवा निभाई। इन्हों लिखिया हुई 40-12 जो असं अज कलाम प्रचलित हैं उन्होंने ही उच्चारण किए हुए हैं। सिख रहत मर्यादा के पावन बाणी में ही गुरबाणी ज गुरबाणी की कुंजी या उन्होंने व्याख्या स्वरूप कह के पढ़न की इजाजत दी गई है। तो पहले भाई गुरदास जी ये सन, दूजे भाई गुरदास जी नौवें पातशाह के सिख, दशमेश पिता जी के चौर वरदार भाई तीरतिया जो अमृतसर के शायद तीरत सिंह बन गए, उन्होंने पिता जी का नाँ है नौवें पातशाह के वेले। और तीजे भाई गुरदास जी भाई बहलो जी के, जिन्होंने गुरु अर्जन पातशाह ने माण बख्शा कि भाई बहलो सब तो पहलो उसके खानदान विचों होए ने, मसंद सन सतवें पातशाह के समय सेवा निभाई जो दिल्ली नू बाबा राम राय नू भेजिया ये उन्होंने नाल सन। जदों उन्हों का बाईकाट हो गया उस तो बाद बाबा राम राय की पत्नी माता पंजाब कौर की सेवा दे विच आ गए सन जो उन्हों का देहांत हो गया बाद विच। ते दशमेश पिता को इन्होंने माफ़ी मंग ली सी। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कि यह तीजे भाई गुरदास जी होए हैं। जिहड़ा चौथे भाई गुरदास जी की गल आती जिन्हें 41-वीं वार भी कही जाती है, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं इन्हों 41-वीं वार जी हो किसी की नहीं, इन्हों विचों किसी की नहीं, ना पहले भाई गुरदास जी की ना दूजिया की। इहदे बारे भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने लिखा है कि जदों असीं ये रचना पढ़ते हैं तो उहदे विच उन्होंने अपने आप का यह लिखिया, संबत 1703 भाई वर्ख 57 जान गुरदास सिंह पूर्ण कियो श्री गुरु ग्रंथ प्रमाण। तो यह सन संबत 1757 अपने आप नूं दसदे हन। पर इस वार की पौड़ी नंबर 19 दे विच एक तुक होर है जो भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने दिती कि जे 12 सदी नबेड़ के गुरफतेह बुलाई, जे 12 सदी नबेड़ के गुरफतेह बुलाई, भाई साहब ने जे अर्थ करदे लिखिया कि इसके अनुसार वार की संपूर्णता के करता समय हिजरी संबत 12वीं सदी पूरी हो रही सी या हो चुकी सी, जिसका संबत विक्रमी 1844 बनता है, तो ईसवी सन 1787 बनता है। अंत में भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने लिखा है कि 41वीं वार हो किसी भाई गुरदास सिंह की पावी दे वाले इशारा किया है कि इसे भाई गुरदास सिंह जी है जो दशमेश पिता तो बहुत देर बाद होए हैं। ये वार सर्वलोक ग्रंथ विच भी दर्ज है, नाल ही उन्होंने नोट दिता है श्रीमान सचखंड वासी भाई हजारा सिंह जी भाई वीर सिंह जी के नाना जी सन, उन्होंने जो 12 टीके समेत पहला छापिया उस सटीक दे विच उस टीके दे विच यह वार शामिल नहीं सी। इस वार की चौथी एडिशन दे विच
जी चौथी एडिशन भाई साहब ने छापी वो मई 1933 लिखा है वो शुरू में ही उस वेले दर्ज की गई। तो भाई साहब भाई वीर सिंह जी के लिखे अनुसार चार भाई गुरदास ने उन्होंने तिना विचों 41वीं वार जी है किसी की नहीं पर चौथा भाई गुरदास सिंह दूजा वो वार जी है इन्होंने 40 वार 40 वारा 47वीं वार दर्ज कर दी गई जिन्होंने असं आम तौर पर दूजे भाई गुरदास सिंह जी कह के याद करते हैं जिन्होंने दसम पातशाह वार जो जिक्र किया है पर सू 1787 भाई वीर सिंह जी ने वह दिता है। तो यह भाई गुरदास सिंह जी दूजे बारे जो जानकारी मैं मिल सकती है इस तो बाद किसी को और प्राप्त हो गई प्राप्त कर मैं आप बात करा जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। प्रिंसिपल साहब जी का धन्यवाद है जी। प्रिंसिपल साहब बड़े खोजी ने और असी तो भाई गुरदास दूसरा पूछा उन्होंने सानू चार दसते हैं। तो मैं एक बेनती करांगा उस संगत वाले मैं खिमा मंगदा कि प्रिंसिपल साहब की जी आवाज़ है वो बद्दी घटती रही है कई अक्षर जोड़े ने चंगी तरह नहीं सुने गए असं उसकी खिमा मंगते हैं। तो प्रिंसिपल साहब रिक्वेस्ट करांगे भी तुम कृपा करके एक सोहनी जी लैपटॉप लै के ना जी तो विचार बड़े अनमोल ने एक सुंदर जी लैपटॉप लिया के रखो जी तो वो करो मेहरबानी धन्यवाद। तो एक डॉक्टर जगजीत सिंह जी वालों मैसेज आया सत्संग मैं पढ़ दिना पिछे गल चली सी तुक तत्करे का रहाओ का तुक तत्करा है कि नहीं वो फिर सानू पता लग गया सी भी साहब मंगत सिंह जी कश्मीर तो ने उन्होंने फिर कहा दसो कितने भेजना है डॉक्टर जगजीत सिंह ने मंगया उन्होंने पहुँच गया PDF फाइल पहुँच गई है तो वह संगत नाल शेयर करना चाहते हैं उन्हें पूछा भी किवें किया जाए। मैं डॉक्टर साहब बेनती करा भी तुम ये जी PDF फाइल है पैनल के किसी मैंबर भी भेज दौ तो असं अपने ग्रुप में पा देंगे तो सारी संगत को पहुँच जाएगी। धन्यवाद जी।